सत्य को जानना और उसे स्वीकार करते हुए उसका पालन करना। प्रत्येक धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है। दुनिया में मत मतांतर संप्रदाय भले ही बहुत सारे हैं, कोई धर्म कहता है, कोई रिलीजन कहता है, कोई दीन कहता है, सभी लोग अपने अपने भाषा के अनुसार, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार धर्म शब्द को संबोधित करते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि सत्य का पालन करना, सत्य को स्वीकार करना धर्म की श्रेणी में नहीं आता। ये अलग बात है कि सांप्रदायिक कट्टरता के कारण हम अपने ही संप्रदाय में जो विचारधाराएं चली आ रही है उसको सर्वश्रेष्ठ तथा दूसरे के मत में, दूसरे के विचार में कोई सिद्धांत या कोई ऐसा तौर तरीका जो भले ही वैज्ञानिक हो, जो भले ही प्रामाणिक हो, सटीक हो, तथ्य के अनुसार हो, लेकिन चूंकि वह दूसरे संप्रदाय के लोग उसको मानने वाले हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उसका सिद्धांत गलत है और हमारा सिद्धांत सही है। सामान्य मनुष्य कभी भी स्वयं के गलतियों को, स्वयं की त्रुटियों को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि अहंकार, जिसको अंग्रेजी में ईगो कहा जाता है, अहंकार सबके आड़े आता है। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति होगा वह कभी भी सत्य को स्वीकार करने के लिए अहंकार को सत्य से बड़ा होने नहीं देगा। वह सत्य को स्वीकार करेगा कि चाहे किसी भी मत मतांतर का मानने वाला हो, अगर सही बात कह रहा है तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, उसे हमें मानना चाहिए, क्योंकि सत्य किसी मत विशेष का, संप्रदाय विशेष का नहीं होता है। सत्य तो सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है। सार्वभौमिक का मतलब पूरी दुनिया में सत्य हमेशा एक ही रहेगा, और सार्वकालिक का मतलब है कि तीनों कालों में हमेशा एक समान रहेगा। इसीलिए प्रत्येक धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो सत्य को स्वीकार करे और सत्य को दूसरे लोगों तक पहुँचाए। और इसी संदर्भ में आज मैं आप सबके बीच एक सत्यता को जाहिर करने के लिए अथवा एक सत्य बात बताने के लिए आया हूँ, जिसके विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। और वह सत्य क्या है? वह सत्य है क्रिसमस का सच। क्रिसमस, जिसे दुनिया भर के सभी ईसाई, और आज तो क्योंकि उसका प्रचार इतना अधिक हो चुका है, उसको मनाने की शैली बहुत अधिक आधुनिक हो चुकी है, उसको एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। बहुत सारे पश्चिमी देशों में इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना करके इस दिन राष्ट्रीय अवकाश अथवा राष्ट्रीय पूरे देशव्यापी छुट्टी दी जाती है। तो इसीलिए न केवल ईसाई बल्कि दूसरे मत के लोग भी इस पर्व को मनाने लगे हैं। लेकिन क्या कह करके अथवा क्या मान करके क्रिसमस मनाया जाता है, ये शायद सभी को पता है। सभी लोग ये मानते हैं कि 25 दिसंबर अर्थात क्रिसमस डे के दिन जीसस क्राइस्ट अथवा जिनको ईसा मसीह भी कहा जाता है, उनका जन्म हुआ था, अथवा उनके जन्मदिन के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ लोग इसे बड़ा दिन भी कहते हैं, ईसाई लोग इसे बड़ा दिन भी कहते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। आज भारतवर्ष का तात्पर्य आज का वर्तमान इंडिया कहें, हिंदुस्तान कहें, अथवा नेपाल और इसके आसपास के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, जहां हिंदुओं की संख्या कुछ अधिक है दूसरे देशों की अपेक्षा, यहां के लोग भी पश्चिमी सभ्यता के इतने गुलाम हो चुके हैं
कि अपनी सभ्यता को बिल्कुल पूरी तरह से पीछे छोड़ चुके हैं। विशेष रूप से आज भारत के युवाओं को पूछा जाए कि क्या विक्रमी संवत कौन सा है आप जानते हैं, वो नहीं बता पाएंगे। आज उनको अगर विक्रम संवत पूछा जाएगा, आज उनको तिथि पूछी जाएगी, तारीख की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हें अगर तिथि पूछी जाएगी तो वो इंटरनेट का सहारा लेंगे, लेकिन अगर उनको तारीख पूछी जाएगी तो तुरंत बता देंगे। उनको महीना पूछा जाएगा तो वो जनवरी फरवरी ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का महीना है ये तो याद रखेंगे, लेकिन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ इन महीनों को याद नहीं रखेंगे। अर्थात अपनी परंपरा को पूरी तरह से हम भूल चुके हैं और पाश्चात्य सभ्यता का ही हम अनुसरण और अनुकरण करते जा रहे हैं। अब जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे ऊपर थोपी गई है, पश्चिमी लोगों ने उसे तो पूरी तरह से वैज्ञानिक बताया और हम जिस परंपरा का अनुसरण अनुकरण करते आ रहे थे उस परंपरा को बिल्कुल नकार दिया और कहा कि ये तो अवैज्ञानिक है। जबकि चाहे आप भारतीय गणित ज्योतिष के हिसाब से देखें, चाहे आप भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से देखें, चाहे आप मौसम विज्ञान के हिसाब से देखें, तो भारतीय जो गणना है वही गणना सर्वश्रेष्ठ है। आज मैं क्रिसमस के साथ साथ में एक दो और छोटी छोटी जो बातें हैं जो कि हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव डाले हुई हैं, उन बातों का भी रहस्य उजागर करना चाहता हूँ। और शुरुआत मैं क्रिसमस से ही कर रहा हूँ क्योंकि अभी क्रिसमस डे आने ही वाला है, सब लोग इसको मनाने के लिए तत्पर हैं, सभी लोग बधाई भी देंगे, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे बाइबल हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोगों के मानने में अलग अलग बाइबल का प्रचलन होता है, जिसमें कुछ कुछ हर्फों का, कुछ कुछ पंक्तियों का, कुछ कुछ लाइंस का फर्क है, लेकिन किसी भी बाइबल में ईसा मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर है ऐसा नहीं लिखा है। कहीं पर भी ईसा के जन्मदिन के विषय में तो बात ही नहीं है, तो 25 दिसंबर की शुरुआत कैसे हुई, इसको बड़ा दिन क्यों कहा जाता है? मैं इसलिए दो चीज़ों को साथ में जोड़ रहा हूँ क्योंकि भारतीय परंपरा जिसमें हर चीज़ के पीछे एक वैज्ञानिक कारण था, आप सबको पता है कि 23 दिसंबर को रात्रि सबसे बड़ी होती है, उसके बाद धीरे धीरे दिन बड़ा होना शुरू होता है, रात्रि धीरे धीरे छोटी होती जाती है और दिन बड़ा होना शुरू होता है, तो इसलिए 23 दिसंबर के बाद आने वाले दिन बड़े दिन कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि सबसे बड़े दिन हैं, लेकिन बड़े दिन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि 23 दिसंबर तक रात बड़ी हो रही होती है, तो इसलिए 25 दिसंबर को इन्होंने बड़ा दिन मनाना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि ईसा मसीह सबसे बड़े हैं और उनका जन्मदिन होने की वजह से सबसे बड़ा दिन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 25 दिसंबर के विषय में तो किसी भी ग्रंथ में, चाहे बाइबल हो या फिर बाइबल के सहायक कोई भी ग्रंथ हो, किसी भी ग्रंथ में 25 दिसंबर का तो प्रमाण ही नहीं है। क्रिसमस डे मनाने की शुरुआत ईसा मसीह के जाने के 10वीं शताब्दी में हुई थी, और वह भी इसीलिए क्योंकि यूरोप के जो लोग हैं वो दूसरे देशों में अपना शासन, अपनी संस्कृति थोपना चाहते थे, लेकिन थोपे कैसे, क्या कह करके थोपे, क्योंकि कोई ना कोई तो आधार चाहिए होता है संस्कृति थोपने के लिए। जैसे हिंदू संस्कृति में हम दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो हर पर्व के पीछे एक कारण दिया जाता है और उन पर्वों के उपलक्ष्य में हम कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई ना कोई ऐसा अनुष्ठान करते हैं, और उन कार्यक्रमों में हम धर्म की किसी न किसी रूप में धर्म की चर्चा, कथा, कहानियाँ सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं। लेकिन अब ईसाई मत में ऐसा कोई आधार ही नहीं था, कोई प्रमाण ही नहीं था, तो सब लोगों ने मिल करके निर्णय किया कि कोई एक दिन ऐसा निश्चित किया जाए, तो उन्होंने 25 दिसंबर को तय किया कि 25 दिसंबर के दिन हम ईसा मसीह का जन्मदिन मनाएंगे। फिर उसके बाद 7 दिन के बाद
बालक के पैदा होने के 7 दिन के बाद में नामकरण संस्कार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 25 दिसंबर को अगर जन्म होगा तो उसके बाद 7वां दिन पड़ेगा 1 जनवरी, तो इसीलिए 1 जनवरी को नया साल मनाना शुरू कर दिया। और वह 1 जनवरी वैसे देखा जाए तो, क्योंकि सामान्य लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे इसलिए मैं बिल्कुल सरल शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, कि वह दिन अर्थात 1 जनवरी बाइबल के हिसाब से ही, ईसाइयों के धर्म ग्रंथ के हिसाब से ही जीसस क्राइस्ट अथवा ईसा मसीह के खतना होने का दिन था। और उसको आज पूरी दुनिया नववर्ष के रूप में मनाती है। हम लोग भी बोलचाल में हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं, नववर्ष की शुभकामना बोल देते हैं, लेकिन उस समय क्या नया क्या हो रहा है? न ऋतुओं में कोई परिवर्तन हो रहा है, न कोई भी नया काम नहीं हो रहा होता है। सारे के सारे हमारे देश में कोई भी काम शुरू करना होता है पहले अप्रैल से शुरू करते हैं हम। अर्थात जिस दिन हम नया साल मनाते हैं, चैत्र महीने की जो पहली तिथि है, उस दिन से हम जितने भी नए काम होते हैं, चाहे वो बैंक के काम हो, चाहे स्कूल के काम हो, जितने भी ऑफिशियल काम हैं, उन सभी कार्यों की शुरुआत 1 अप्रैल से करते हैं। आज अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हमारे नववर्ष को तो अप्रैल फूल अर्थात मूर्ख दिवस, मूर्खों का दिन कह करके प्रचलित कर दिया, और आज हम भी बड़े गर्व के साथ में उस दिन अप्रैल फूल मनाते हैं। तो अगर हम ऐसा मना रहे तो हमसे बड़ा फूल फिर कोई नहीं है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के खतना दिवस को तो हम नववर्ष के रूप में मना रहे हैं। और जो हमारा नववर्ष है, जिसके पीछे हर प्रकार का एक कारण है, मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि गणित ज्योतिष के हिसाब से भी और भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से भी, उस समय क्या नया हो रहा होता है आप देखेंगे तो मार्च के महीने में जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वह तेज हवा जब चलती है तो उसके बाद सारे पेड़ पुराने पत्तों को छोड़ देती है और नए पत्ते उसमें आने लगते हैं, नए कोपले उसमें आने लगते हैं, तो वो नया हो रहा होता है। ऋतु बदल रही होती है, ऋतु में परिवर्तन आ रहा होता है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि साल भर का जितना भी हिसाब किताब होता है, चाहे वो ऑडिट का हो, बैंक का, जितना भी काम होता है, वो मार्च के महीने में निपटा दिया जाता है ताकि अप्रैल के पहले दिन से हम नए काम की शुरुआत कर सकें। लेकिन हमने अपनी संस्कृति को तो तिलांजलि दे दी और दूसरे की सभ्यता को हमने अपनाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम दूसरे की सभ्यता को गाली दें, दूसरे की सभ्यता को हम छोटा दिखाएं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पंजाब में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि हमें हर प्रकार की भाषा सीखनी चाहिए, दूसरे की भाषा भी हमें सीखनी चाहिए, लेकिन कोई मूर्ख ही होगा जो दूसरे के पक्के घर को देख करके अपना कच्चा घर गिरा दे कि देखो उसका घर तो पक्का है। जबकि यहाँ पर सांस्कृतिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे पास पक्का घर है, फिर हम इसे क्यों गिराएं? हमारे पास 1 अप्रैल को नववर्ष मनाने के कारण है, वैज्ञानिक तथ्य मौजूद है, लेकिन जनवरी 1 को नया साल मनाने के पीछे क्या कारण है? मैं खुले रूप में एक चुनौती के साथ में कह सकता हूँ कि किसी भी तरह से 1 जनवरी तो नया साल हो ही नहीं सकता, अंग्रेजों का नया साल भी नहीं हो सकता। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको, आपने थोड़ा बहुत भी अगर स्कूल में पढ़ाई की होगी तो आपको इतना पता होगा कि जैसे अभी चल रहा है दिसंबर, मैं सितंबर से शुरुआत करता हूँ। सितंबर जो महीना है, सप्तम शब्द है संस्कृत का, वहाँ से सितंबर बना है, तो उस हिसाब से सितंबर होना चाहिए 7वां महीना। अक्टूबर, जिस ओक्टा के आधार पर एक शब्द और बना है, एक प्राणी का नाम है ऑक्टोपस, उसके 8 हाथ होने की वजह से अथवा 8 पैर मान लीजिए, 8 पैर होने की वजह से उसे ऑक्टोपस कहा जाता है। अष्टभुजा वाले कोई भी एक जो आकृति होती है उसको ऑक्टागन कहा जाता है। तो उस हिसाब से अक्टूबर जो महीना है वो 8वां महीना होना चाहिए।
नवंबर जो महीना है, नवम शब्द उसमें साफ दिख रहा है, संस्कृत का नवम शब्द है जिससे कि नवंबर बना है, तो वह नौवां महीना होना चाहिए। और दिसंबर एक शब्द है DECA, डेका, वो दसवां महीना होना चाहिए, जबकि साल में तो 12 महीने होते हैं। दसवें महीने के बाद 11वां महीना जनवरी, ये नया साल कैसे हो गया? और इसी आधार को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो 11वां महीना हो गया जनवरी, 12वां महीना हो गया फरवरी। तो उसके बाद हमारी जो नववर्ष की शुरुआत है वैसे मार्च में होना चाहिए। आप जब भारतीय पंचांग को देखेंगे, विक्रम संवत वाले पंचांग को, तो आप पाएंगे कि उसमें तिथि के हिसाब से जो भी गणना होती है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र के आधार पर गणना होती है, और उसमें कभी मार्च महीने में और कभी अप्रैल महीने में नववर्ष पड़ता है तिथि को देख करके। ऐसा नहीं कि फिक्स कर दिया कि इसी दिन नया साल होगा, ऐसा नहीं है। जब ऋतु बदल रही है, जब सूर्य चंद्रमा नक्षत्र की गति के आधार पर एक स्थान पर कुछ नक्षत्र पहुंच रहे हैं, तो वहां से तिथि बदलती है और वहां से हम अपना नववर्ष मनाते हैं। और कुल मिला करके मार्च के अंत में और अप्रैल के शुरुआत में हमारा नववर्ष होता है। और दिन निश्चित कर भी दिया जाए अगर कि एक अप्रैल है, तो उसमें भी जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारी नई घटनाएं हो रही होती है। लेकिन जनवरी में, दिसंबर में भी सर्दी चल रही है, नवंबर जनवरी में भी वही सर्दी उतनी ही होती है। न ऋतु बदल रही है, न कोई नए पौधे आ रहे हैं, न वनस्पतियों में कोई परिवर्तन हो रहा है, न किसी प्रकार के की नई खेती हो रही है, कुछ भी तो नया नहीं हो रहा है। तो इसीलिए न 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्मदिन है, न 1 जनवरी किसी का भी नव वर्ष है, चाहे वो हमारा हो चाहे अंग्रेजों का हो। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों को भारतीय परंपरा को अनुमति देने में, उसको स्वीकार करने से परहेज था, उससे चिढ़ थी, इसलिए उन्होंने 1 जनवरी को ही सबके ऊपर थोप दिया और उसको नया साल मनाने लग गए। अब तीसरी एक और बात कि जब नया साल मनाना होता है, आज हमारे समाज में ये परंपरा चली है, इस बात को मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आज प्रसंग बना है तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि अंग्रेजों का अनुसरण करके हमने क्या किया, किसी का जन्मदिन होता है तो हम रात को 12 बजे का अलार्म सेट करके रखते हैं और 12 बजे तक खुद भी जाग रहे होते हैं और सामने वाले को भी जगाते हैं ये फ़ोन करके या फिर स्वयं जा करके अगर आसपास में हो तो, और फिर उसको जन्मदिन विश करते हैं, जन्मदिन की बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और नया साल भी मनाना होता है तो रात के 12 बजे ही पटाखे फोड़ने शुरू कर देते हैं, या जो भी तरीका हम अपनाते हैं उन तरीकों से रात के 12 बजे से ही हम सोचते हैं कि समय बदल रहा है। लेकिन किसका समय बदल रहा है? रात के 12 बजे क्या नया हो रहा होता है, क्या परिवर्तन हो रहा होता है? ऐसा नहीं है कि रात के 12 बजे के बाद आप काम करना शुरू कर रहे हैं, 12:01 में आपका दिन शुरुआत नहीं हो रहा होता है। आपके दिन की शुरुआत तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद होती है। कुछ लोग जो समय से उठने वाले हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे और या तो फिर सूर्योदय के साथ साथ में उठेंगे। तो रात को 12 बजे ऐसा क्या हो रहा होता है कि उस दिन से आपका जन्म हो रहा है या उस दिन से नया साल हो रहा है? ऐसा इसलिए कि अंग्रेजों ने भारतीय परंपरा का कुछ स्थान पर अनुसरण किया और उन्होंने क्या सोचा कि अंग्रेज बहुत सारे यहाँ भी रहे, यहाँ पर उन्होंने राज किया, यहाँ की संस्कृति सीखी। जिस समय में इंग्लैंड में 12 बज रहा होता है, उस समय में भारत में सुबह के लगभग 6 बज रहे होते हैं। तो उन्होंने यहाँ के समय के हिसाब से गणना करनी शुरू की, यहाँ के समय के हिसाब से उन्होंने बधाई देना शुरू कर दिया। लेकिन हमने क्या किया, हमने उनकी ही बात को आधे अधूरे रूप में लिया और आधे अधूरे रूप में ही प्रस्तुत किया। और हम आज क्या कर रहे हैं कि जन्मदिन की शुभकामना देनी हो तब भी हम रात के 12 बजे देते हैं। भाई रात के 12 बजे अगर कोई पैदा हुआ है अगर, तो उसको बधाई देना तो बनता है, लेकिन लगभग जहां तक मैं समझता हूं कि अधिकतर लोग सुबह के समय में अथवा दिन के समय में ही जन्म होता है, कुछ ही लोग होंगे जिनका जन्म रात को होता होगा। तो दिन की जब से शुरुआत होती है उस समय अगर शुभकामना दे तो वो बात बनती है, लेकिन हम आधा नकल करके, कहते हैं ना नकल को भी अकल की ज़रूरत होती है, आधा नकल करके यदि हम रात के 12 बजे किसी को शुभकामना दे रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि 12 बजे से क्या बदल रहा है।
12 बजे से कुछ भी नहीं बदल रहा होता है, वो तो अंग्रेजों ने, जब हम आज हम फ़ोन भी प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें भी क्योंकि टाइम सेटिंग उन्हीं की है, क्योंकि हमने अपनी परंपरा को तो तिलांजलि दे दी, हमने अपनी परंपरा का अनुसरण नहीं किया, ये कहते हुए कि इसमें कोई भी वैज्ञानिक कारण नहीं है। और हम आज वही रात के 12 बजे के बाद में AM शुरू हो जाता है और दिन के 12 बजे के बाद में PM शुरू हो जाता है, हम कहते हैं उसी के आधार पर हम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे सब उसी से डिसाइड कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वह भी, वहाँ के लोग भी हमारी परंपरा का आज अनुसरण करना चाहते हैं। आज मैं बार बार कहता हूँ, जर्मन जैसा देश जिसको इंजीनियरिंग का केंद्र कहा जाता है, इंजीनियरिंग हब कहा जाता है, वहाँ पर भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृत भाषा सिखाई जा रही है। आज इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में, अमेरिका के विश्वविद्यालयों में, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में संस्कृत की अनिवार्यता कर दी गई है, लेकिन भारत के ही लोग पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने में, अनुकरण में नहीं कहूँगा, इसको कहूँगा मैं अंधा अनुकरण। इसका मतलब है कि अनुकरण करने में हम इतने अंधे हो गए कि हम अपनी जो परंपरा वैज्ञानिक है उसको छोड़ बैठे, उसको हम नकार बैठे। इसके कारण आज कोई विदेशी व्यक्ति हमारी परंपरा को नहीं जानता है, आज किसी को नहीं पता कि हमारा नव वर्ष कब से शुरू होता है। अब एक और विशेष बात, क्योंकि क्रिसमस की बात चल रही है, तो एक और विशेष बात मैं बताऊं ईसाई मत के संदर्भ में, कि जब भारत के लोग अथवा हिंदू गले में कंठी पहनते हैं, किसी प्रकार की तिलक चंदन लगाते हैं अथवा धोती इत्यादि वस्त्र पहनते हैं, तो ये कहते हैं कि इसमें क्या वैज्ञानिक कारण है, तुम मंदिर में जा कर के घंटी बजाते हो और गले में माला पहनते हो, उसके पीछे क्या कारण है, तुम्हारा धर्म तो साइंटिफिक नहीं है। और वही ईसाई लोग क्या करते हैं कि हिंदू जब वृक्ष की पूजा करता है, पूजा करने का मतलब मैं यहाँ वृक्ष की पूजा को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि ईसाई मत में किस तरह का अंधविश्वास है कि वो केवल दूसरे की गलती को गलती कहना और अपनी गलती को सर्वश्रेष्ठ कहना जानते हैं। भारतीय परंपरा में तुलसी की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, और भी बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनकी पूजा होती है, तो उसको वो कहते हैं कि ये तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण नहीं है। चलिए, वृक्ष की पूजा, वृक्ष को परमात्मा मान करके पूजा ना करें और किसी भी रूप में उसके पूजा नहीं करनी चाहिए, हाँ उसका संवर्धन करना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ईसाई तो उससे भी गए गुजरे हैं। वो क्या करते हैं, आज के दिन क्रिसमस ट्री कह करके प्लास्टिक का घर में ले आते हैं, उसमें बल्ब वगैरह लगाते हैं और उसको जलाते हैं, इसके पीछे कौन सा वैज्ञानिक कारण है। चलो, वृक्ष की पूजा करने के पीछे तो सब हम ये कह सकते हैं कि वृक्षों से हमें औषधियाँ मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, अनाज मिलता है, फल देते हैं, तो उसकी पूजा हम कर रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक के पेड़ से कौन सा ऑक्सीजन निकल रहा है भाई, तो ये तो बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है। और दूसरा, गले में जो कंठी की माला पहनते हैं, ये अलग बात है कि गले में कंठी धारण करना धार्मिकता का प्रतीक नहीं है, लेकिन तुलसी की कंठी में, तुलसी में औषधीय गुण होता है, तो वो उससे नुकसान नहीं है, तो ये वैज्ञानिक कारण है कि कम से कम तुलसी जिसमें औषधीय गुण है, गले में पहनने पर कुछ तो स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, लेकिन एक जो क्रॉस वाला अथवा जीसस क्राइस्ट की एक वो छोटी सी लॉकेट समझ लीजिए कि जिसमें क्रॉस में टांगा गया है, वो क्रॉस लेकर के उसको गले पर लटकाने के पीछे कौन सा वैज्ञानिक कारण है, वो कौन सी धार्मिकता है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू अवैज्ञानिक है, हिंदू अंधविश्वासी है, हिंदुओं में अंधविश्वास है, हिंदुओं में कुछ अंध परंपराएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अंध परंपराएं ईसाई मत में हैं। ये तो मैंने 2-3 उदाहरण दिए आज, क्योंकि मैं सिर्फ, वैसे तो मैं क्रिसमस डे के विषय में आपके बीच में कुछ बात रखने के लिए उपस्थित हुआ था, लेकिन प्रसंग चला तो मैंने भारतीय परंपरा के विषय में भी बहुत सारी बातें कह दी। भविष्य में अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी तो दूसरे विषयों में भी, ईसाई मत के दूसरे विषयों में भी हम बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि बाइबल में लिखी गई सारी बातें गलत है, बाइबल में बहुत सारी बातें सही भी है, लेकिन बहुत सारे राजनैतिक कारणों से बाइबल में भी मिलावट हुई है, जिस तरह से पहले भी हम चर्चा में सुनते आए हैं कि जिस तरह से कुरान में मिलावट हुई है, जिस तरह से भारतीय इतिहास में मिलावट हुई है, उसी तरह से
वे उस बिल्कुल उसी तरह से ईसाई मत के धर्मग्रंथ अर्थात बाइबल में भी मिलावट हुई है। तो इसीलिए जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है उसको हमें मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज क्रिसमस डे अथवा ईसा मसीह का जन्मदिन के रूप में पूरे विश्व में जो मनाया जाता है वो कोई धार्मिक कारण नहीं है। इससे पहले क्रिसमस डे से पहले ईस्टर ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार हुआ करता था। आज चूंकि क्रिसमस डे पूरे विश्वव्यापी हो चुका है और आज सबसे बड़ा व्यापार है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि संसार में जितने त्यौहार हैं सभी संप्रदायों के, उन संप्रदायों को मिला करके जितना बिजनेस नहीं होता है उससे ज़्यादा बिजनेस अकेले क्रिसमस डे के उपलक्ष में होता है। क्योंकि इस उपलक्ष में सेंटा क्लॉज के कपड़े और प्लास्टिक के जो क्रिसमस ट्री हैं और फिर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, तो उन सब की ख़रीदारी में जो व्यापार होता है, जैसा कि वैलेंटाइन डे में प्रेम के नाम पर व्यापार हो रहा है, यहाँ पर क्रिसमस डे में धर्म के नाम पर व्यापार हो रहा है। तो इसीलिए मैंने जैसा कि पहले ही कहा, प्रत्येक धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि सत्य का पालन करने में और असत्य के छोड़ने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो आपको यदि ये बात सही लग रही है, सत्य लग रही है, क्योंकि सत्य है तो सत्य लगेगी ही। हाँ, अगर अभी भी आप इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं हमारी बात बिल्कुल सच है, आज ही 25 तारीख को ही, 25 दिसंबर को ही जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है, तो आप और दूसरे कट्टर संप्रदाय व्यक्तियों में कोई फर्क नहीं है। यदि आप सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते तो आप में और एक नास्तिक व्यक्ति में कोई भी फर्क नहीं है। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। परमात्मा सबका भला करे, सब पर कृपा करें।